राज हमारे जीवन में एक और अवसर दिए, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि कृपा और अनुग्रह हमारे जीवन में होने के कारण अनुभव में जीवन यापन करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करें, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज की सुबह के मनन के लिए याकूब के किताब पहला अध्याय उसका पांचवा और छवा वचन, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5 एंड 6। सातवां वचन भी, सातवां वचन, आमेन, प्रेज गॉड। तो आज का वचन का हिस्सा याकूब का किताब पहली अध्याय उसके पांचवां वचन से लेकर सातवां वचन तक हमने पढ़ा। वहां पे स्वर्गीय राज्य का कम्युनिकेशन कैसा होता है, नहीं तो स्वर्गीय राज्य का संदेश है कैसा आपस में हम लोग शेयर कर सकते हैं, उस चीजों के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो प्रार्थना एक औजार है हमें परफेक्ट से निभाने के लिए सहायक मंद होती है, इसीलिए हमें मालूम करने वाली एक अनुभव, हम आत्मिक रीति से एक युद्ध में हैं, आत्मिक युद्ध में हमारा जीवन आगे चल रहा है। तो इस युद्ध में हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए परमेश्वर युद्ध कर रहे हैं। तो परमेश्वर हमारे लिए जब युद्ध कर रहे हैं तो हमें हमको परमेश्वर के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन, नहीं तो अच्छी तरीके से संदेश आपस में क्या करना चाहिए, शेयर कर परख के अनुभव के हिसाब से ही युद्ध का अच्छी तरीके से जीतने के अनुभव। इसलिए हमारा परमेश्वर सैन्याधिपति परमेश्वर है और हम उसके बच्चे होने के कारण हमारे लिए परमेश्वर युद्ध करते हैं। तो हमारा समाचार जो है वो अच्छी तरीके से हमारा समाचार परमेश्वर को मालूम चाहिए, परमेश्वर का समाचार हमें मालूम चाहिए, तो ही एक युद्ध क्या हो सकता है, जयवंत अनुभव में जा सकता है। तो यहाँ पे पढ़ा हुआ अनुभव में याकूब का पत्र पहला अध्याय उसका पांचवा वचन, ज्ञान की कमी हो नहीं तो तेरे, ज्ञान का मतलब क्या है, नहीं तो जीवन में निर्णय लेने वाली, नहीं तो बहुत सारे गुरुत्व वाली चीजों को पहचानने की अनुभव अगर अपने जीवन में नहीं है तो परमेश्वर बोले पूछो। कैसे पूछनी चाहिए, प्रार्थना के अनुभवों से परमेश्वर से पूछना चाहिए। पूछने पर परमेश्वर हमको क्या करेंगे, किस कैसे डिसीजंस लेना है, कैसे परिस्थितियों का सम्मुखीन करना है, नहीं तो परिस्थितियों में कैसी हमारा जीवन को ज्ञानवंत करने के लिए परमेश्वर हमें क्या करेंगे, परमेश्वर हमको हमसे बातचीत करेंगे। इसी औजार है प्रार्थना, एक का संदेश देने की एक अनुभव है जो कि परमेश्वर से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सच्चे ज्ञान और बल से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, मगर परमेश्वर की शक्ति और ज्ञान से हमें बहुत सारे चीजों को मालूम करने की, जानने की, समझने की, नहीं तो उसकी कैसी व्यक्तता है उसको मालूम करने के अनुभव। इसलिए यहां बताया गया है तो अगर तेरे जीवन में ज्ञान की कमी हो, विजडम की कमी हो, तुम मुझे पूछ सकते हो। तो यहां पे बताया गया अनुभव में क्या है, कैसे हमें कैसे पूछने पर कैसे देते हैं परमेश्वर, हमें पूछते वक्त हर चीजों को परमेश्वर हमें हमारे लिए देने के मालूम है, खड़े हैं हमारे विरुद्ध में युद्ध हरदम चलता रहा है, इसलिए उस युद्ध में हार ना जाए। वैसे ही परमेश्वर एनी टाइम परमेश्वर हमारे लिए मौजूद है, हमारा ही उपस्थिति के जो परमेश्वर क्या कर रहे, वेट करके खड़े हुए हम लोग उची नियुक्त समय में है। इसलिए यहाँ याकूब को यह पहली अध्याय आत्मिक उन्नति के बारे में, आत्मिक मेच्योरिटी के बारे में, नहीं तो आत्मिक जीवन के समस्याओं के बीच में कैसे हम मेच्योर बन के डिसीशंस ले सकते हैं, नहीं तो जीवन तो कैसे हम आत्मिक तौर से मेच्योर पर्सन के हिसाब से ले सकते हैं, वो याकूब यहाँ पे बताता है। उसकी दूसरी अध्याय पहली अध्याय का दूसरा वचन से अगर हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारी तकलीफें समस्याएं आते वक्त हम मैच्योर क्रिश्चियंस, नहीं तो मैच्योर हुए आत्मिक लोग ही उसको क्या कर सकते हैं,
के द्वारा परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त करके क्या कर सकते हैं, अपने मेच्योरिटी के हिसाब से अपने समस्याओं के बीच में जयवंत हो सकते हैं। हालेलुया, मैं बता रहा है, सिखा रहा है, इसलिए उसकी छवा वचन में बताया गया क्या है, पांचवी पांचवी वचन में आखिरी में ऐसा बताया गया कि अविश्वास ना करके हम सब चीजों को परमेश्वर से मान लेना चाहिए। हेलो, कभी भी हमें संदेह नहीं आना चाहिए। हम सबके ऊपर संदेह कर सकते हैं, परमेश्वर के ऊपर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। संदेह एक ऐसा शैतानिक औजार है, नहीं तो बोलने वाली एक चीज, ऐसा एक शैतानिक औजार है, वो औजार से हमारी भरोसा, हमारी विश्वास, हमारा श्रेष्ठ अनुभव है, सब कुछ हम क्या कर सकते हैं, खो सकते हैं। वाटिका में से खो जाने की कारण क्या है, वो लोग परमेश्वर के वचन को संदेह करना शुरू किए, परमेश्वर को संदेह करना शुरू किए, नहीं तो उनके अंदर संदेहात्मक अनुभवों को शैतान क्या किया, उसकी प्रभावित शक्तियों से उनके अंदर प्रभावित क्या करना, वो लोग मजबूर बन गए परमेश्वर को क्या करने के लिए, संदेह करने के लिए। हेलो, हमारे जीवन में संदेह नहीं होनी चाहिए। अगर संदेह करते हैं तो हमारा प्रार्थना व्यर्थ है, हमारा विश्वास व्यर्थ है, हमारा वचन ध्यान व्यर्थ है, करते हैं, वो सब व्यर्थ बन जाएगा। इसीलिए कभी भी परमेश्वर के सन्निधि में, परमेश्वर के विश्वास करने वाले लोग कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। संदेह किसकी, संदेह का द्वारा हमारा जीवन क्या हो सकता है, नष्ट वाली अनुभवों में जा सकता है। तो इसीलिए इधर बताया गया है कि जो कुछ भी तुम मांग रहे हो निस्सार साथ मुझे क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। परमेश्वर को कभी शक करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को कभी भी संदेह करने नहीं है। हम अगर नहीं भी कहते हैं, परमेश्वर हमारे लिए मौजूद है। परमेश्वर के नियम में कभी भी संदेह नामक एक चीज है ही नहीं। परमेश्वर हमारे ऊपर संदेह नहीं करते ना, सोच के देखो, अगर परमेश्वर हमारे ऊपर संदेह करते तो किसी को भी मुक्ति नहीं मिलती, किसी को भी उधारी नहीं मिलती, कोई भी उधारी नहीं पाता, साथ रिश्ता नहीं रख सकता। इसीलिए परमेश्वर के अंदर संदेह का लेश भी नहीं है। ऐसा है तो हम परमेश्वर के संतान होने के द्वारा हमारे जीवन में प्रार्थना काय के लिए हम करते हैं, ताकि को दूर हटाने के लिए, संदेह की तोड़फोड़ करने के लिए, नहीं तो संदेह की औजारों को क्या करना, से अपनी घर से, अपनी हृदय से, अपना जहां कहीं भी भरा पड़ा हुआ चीजों से दूर हटाने के लिए। परमेश्वर का कम्युनिकेशन स्किल है प्रेयर। हेलो, जब आदम और हवा के पास शैतान जब आके संदेह डाला, अगर ये लोग प्रार्थना करते तो क्या होता, अगर ये दोनों घुटने में आकर तुरंत प्रार्थना करना शुरू करते, नहीं तो परमेश्वर को बुलाना शुरू करते, क्या होता, एक बार सोच के देखो, तुरंत परमेश्वर उत्तर आ सकते थे, नहीं तो परमेश्वर उनको बुद्धि और सामर्थ्य दे सकते थे कि उस समस्या को कैसी पर क्या करने के लिए, वो माने पार करके जाने के लिए परमेश्वर उनको क्या कर सकते थे, सिखा सकते थे। हालेलुया, इसीलिए संदेह को दूर दूर हटाने के लिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर को सलाह मांगना, वो एक आत्मिक व्यक्ति का जीवन का रहस्य है। हेलो, हालेलुया, परमेश्वर के दास राजा को जाके बोले, मेरे बोलते बोलने तक इस धरती में पानी की बूंद भी नहीं गिरेगी, कुछ भी नहीं गिरेगी। पासवान क्या किए, वापस फिर से बारिश के लिए समर्पण के साथ निस्संदेह परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करना शुरू किए। हेलो, कितने बार प्रार्थना किए, 7 बार प्रार्थना किए, और उनके चेलों को बोले जाओ देखो, पहली बार प्रार्थना किए, जाओ देखो संभावना हो रही क्या। गया देखा, चेले हैं ना तो चेलों को ज्यादा विश्वास नहीं हो सकता है, अगर पासवान गए होते तो विश्वास नियुक्त रीति से देख सकते थे, बारिश की बूंदों को
सकते थे, बारिश की मेघ को क्या कर सकते थे, देखने की अनुभव मिल सकती थी, मगर पासवान ने क्या किया, अपने चेले को भेजा। अब चेला जो है वो विश्वास से पूर्ण वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगर चेला विश्वास से पूर्ण वाला व्यक्ति नहीं है तो 7 बार पासवान की बात मानकर दौड़ना पड़ेगा। हेलो, देह वाले है बारिश की गुंजगुजाहट, नहीं तो मेघ की गर्जन कानों के पर्दे तक सुनाई पड़ने वाली अनुभव मिल सकती है। इसलिए क्या किया गया, प्रार्थना के औजार से अपने चेले के अंदर की निसंदेह को, संदेह को दूर हटाने के लिए अब परमेश्वर के दास क्या किए, 7 बार परमेश्वर के सन्निधि में उठ बैठ कर प्रार्थना करके क्या किया, संदेह को दूर हटाया। हेलो, इसलिए यीशु मसीह बोलता है, बोलने वाले अनुभव, समस्या में ना पड़ने के लिए तुम क्या करो, प्रार्थना करो। हेलो, सो दैट यू डू नॉट गेट ट्रैप्ड इन टेम्पटेशन, स्टार्ट प्रेइंग। समस्याओं में, बाधाओं में फंस ना जाने के लिए प्रार्थना की औजार पकड़ो, संदेह को दूर हटा सकती है। इसलिए वहां बताया गया है, हम परमेश्वर के सन्निधि में निस्संदेह, अगर परमेश्वर तो परमेश्वर हमें जवाब देते हैं। संदेह ऐसा एक चीज है, समुन्दर की लहरों की समान है। हेलो, समुन्दर की लहरें कितनी ताकतवान है, समुन्दर की जो धीरे से शुरुआत होती है, मगर वो धीरे का शुरुआत वो क्या करती है, बहुत नाश नष्ट ला सकती है। हालेलुया। तो संदेह जब एक व्यक्ति करना शुरू करता है, वो क्या करना शुरू करता है, अपने जीवन को नाश नष्ट करने वाले हो। संदेह एक ऐसी छोटी चीज है, एक समुंदर की छोटी सी लहर के समान है। लहर धीरे धीरे आके क्या करता है, पत्थरों के ऊपर मारता है, मिट्टी को, पत्थर को है, मोटी तगड़ी चीजों को क्या करता है, तोड़ डालता है, और क्या चीज आता है उसके द्वारा क्या होता है, बहुत मलिनता बढ़ती है। उतना मलिनता बढ़ता है, ना कुछ फायदा होती ही नहीं है, कुछ फायदा है क्या। अब कितने लोग स्काई डाइविंग करते हैं क्या, समुद्र की लहराई में करते हैं, कितने उसका शक्ति सामर्थ्य कहीं तक नहीं लगता, तब तक बहुत अच्छी तरीके से सर्फिंग करते हैं। सर्फिंग करने के बाद तुरंत हम उसी पानी में डूब जाने वाली अनुभव, कितने लोग सर्फिंग करके मर भी जाते हैं, क्यों, समुद्र तरंग है वो धीरे 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 करके वो फास्ट होना शुरुआत कर रहा है। संदेह भी ऐसी ही है, संदेह एक कैंसर से भी घिन है। हेलो, कैंसर के लिए एटलीस्ट क्या है, केमोथेरेपी ट्रीटमेंट है, मगर ही नहीं। इसलिए परमेश्वर व्यक्ति रीति से बोलता है, संदेह ना करो, प्रार्थना, संदेहों की जड़ को उखाड़ फेंकने के लिए। हेलो, उद्धार इकाई के लिए विश्वास के द्वारा संदेह की जड़ को उखाड़ फेंकने के लिए, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे अंदर सरसों के दाने के जितना विश्वास है तो तुम बहुत सारे पहाड़ों को क्या कर सकते हो, उखाड़ फेंक सकते हो, बहुत सारे पहाड़ों को समुन्दर के गहराई में डुबा सकते हो, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी तकलीफों को, समस्याओं को तेरी सीमाओं के भीतर से तू क्या कर सकता है, हटा सकता है, दूर भगा सकता है, निकाल सकता है, सकता है, फोड़ सकता है। वो है विश्वास, है वो क्या कर सकती है, धीरे इसे यीशु मसीह प्रार्थना कर 5 रोटी 2 मछली को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करके परमेश्वर के नियुक्त परमेश्वर की बड़प्पन में विश्वास करके जब क्या होना शुरू किया, चेले के हाथ में रोटी देना शुरू किया, रोटियां क्या होना शुरू किया, बढ़ोतरी पाना शुरू किया, मल्टीप्लिकेशन। हेलो, जब मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, नामो निशान भाग जाती है। वो है आत्मिक जीवन की श्रेष्ठता। इसीलिए शैतान
के अंदर संदेह इतना भड़का के रख दिया है कि इतना संदेह कैसे रख दिया कि इसी बहुत सारे लोग परमेश्वर को विश्वास नहीं करते। इसलिए यहां बताया गया है संदेह को तुम क्या करो, दूर करो। इसलिए बताया गया सात छावा वचन में कहता है संदेह तुम्हारे अंदर आने पर वो तुम्हें धीरे 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 क्या करेगा, हवा की दबाव के समान तुझे क्या कराएगा, समुन्दर की लहरों के समान तुझे क्या करेगा, धीरे 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 लेके जाएगा। इसीलिए समुन्दर में जो बोट्स हैं, छोटे छोटे नाव है, नाव उसको क्या करते हैं समुन्दर के साइड में वो रखते हैं, समुन्दर की लहरें धीरे धीरे करके क्या करता है जानते हो ना, जो बांध के रखा हुआ इस रस्सी को तोड़ देता है। कभी कभी तो भी टूट जाता है, क्यों, धक्का खा खा के, धक्का खा खा के, धक्का खा खा के। कैसा होगा सोच के देखो। इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं उसकी छावा वचन में बोलते हैं तुम संदेह ना करके विश्वास, विश्वास मतलब धैर्य पूर्व, नहीं तो दूसरा एक थॉट ना रखे, सेकंड थॉट ना रखे, प्रार्थना के सामर्थ्य में ये क्या कर रही है, ऐसी डाउट को, संदेह को भगाने की कोशिश कीजिए। अभी उसकी सातवीं वचन में बताया गया है ऐसी विश्वास करने वाले व्यक्तियों के लिए परमेश्वर उपयुक्त समय में सहाय बनकर उतर आएंगे, सहायक मंद बन के परमेश्वर क्या कराएंगे उसको कम्युनिकेट करेंगे, ताकि उसका आत्मिक युद्ध आगे बढ़वाने की कोशिश करने के लिए। दाऊद और गोलियत के ये युद्ध भूमि में दाऊद अपने आगे रखने की कोशिश कब किया, जब उसने अपने शत्रु को नीचे, तब उसके कदमे आगे बढ़ने की अनुभव हो गई, उसके अंदर की जो संदेह थी संदेह को उसने दूर हटा दिया। इसलिए एक चीज मैं आज सुबह मैं बोलना चाहता हूं, युद्ध भूमि में तुम अकेले हो, तुम्हारे विरुद्ध में संदेह करने वाले लोग सब दूर दूर भागे, दूर दूर खड़े हैं, उनकी आवाज तेरे कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सोच के देखो दाऊद और गोलियत के जो युद्ध के भूमि में वो लोग युद्ध के सेंटर में है, इसराइली जो अविश्वासी लोग के समान संदेह, वो लोग बहुत कुछ बोल रहे, अभी ये बच्चा जाके मारेगा, ये क्या करेगा, अरे हम लोग ही कुछ नहीं, तो सैनी में है, हम लोग तो तनख्वाह पा रहे हैं, हमको तो बल है, योग्यता है, सब कुछ है, मगर क्या नहीं है, परमेश्वर के ऊपर वाली विश्वास नहीं है, प्रार्थना से संदेह, नहीं तो परमेश्वर सैन्याधिपति परमेश्वर है मेरे लिए उतर आ सकते हैं, विश्वास नहीं, पीछे जब खड़ी है बच्चा शमूएल क्या कर, सॉरी शमूएल नहीं, दाऊद क्या करना शुरू करता है, अपने पांव को आगे 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 शैतानिक साम्राज्य में घुसकर उसकी सर हटाकर उसी की कत्ल कर दिया, हेलो, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। वो है हमारा प्रार्थना की श्रेष्ठता, जो व्यक्ति प्रार्थना से परमेश्वर से कम्युनिकेटेड है उसका जो स्टेप्स है आगे की ओर रहेगा, कभी भी उसको पीछे की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी कान की गुंजगुंजाहट परमेश्वर की कम्युनिकेशन से। दाऊद को मालूम था मेरा इस छोटी सी पत्थर काफी है, ये छोटी सी स्लिंग काफी है इस 12 फुट की को गिरवाने के लिए। हेलो, देखो दाऊद का जो विश्वास, छोटी विश्वास, छोटी सी एक पत्थरी विश्वास एक 12 फुट का आदमी को क्या कर दिया, नीचे गिरवा दिया। वो है विश्वास की प्रबलता, बड़प्पन, संदेह को दूर हटाना। तो दाऊद ने क्या किया जानते हो ना, विश्वास के द्वारा को हरा रहा था, विश्वास के द्वारा संदेह को दूर हटा रहा था। दाऊद उसके अंदर विश्वास बढ़ोतरी होना शुरू किया, जब दाऊद का विश्वास बढ़ना शुरुआत किया इसराइलियों के बढ़ना शुरुआत हुआ, कब, जब उनके शत्रु नीचे गिर गए, जब उसकी शत्रु उठ ना पाया, जब उसके शत्रु के सर को काट निकाल दिया दाऊद, तब इसराइलियों के सैनिक का भी विश्वास क्या होना शुरू हो गया, बढ़ोतरी पाना शुरू हुआ। हम प्रार्थना काय के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारा भी विश्वास बढ़े, अविश्वासियों का विश्वास भी क्या करे, इसीलिए वो
के साथ वो भी परमेश्वर के साथ कम्युनिकेटेड हो, वही परमेश्वर मकसद चाहते हैं प्रार्थना के द्वारा। पांचवा अध्याय 15वां वचन क्या कह रहा देखते हैं, 5:15। देखा ना, जब तेरे अंदर विश्वास संदेह को दूर हटा सकती है, बहुत लोगों को सेवकाई करने की अवसर बन सकती है। हेलो, जब हमारा प्रार्थना अविश्वास को संदेह को दूर हटा सकती है, उस समय में हमें सेवकाई के लिए परमेश्वर क्या करते हैं, रास्ता खोलना शुरू करते हैं। इसलिए यहां पे लिखा है विश्वास प्रार्थना क्या कर सकता है, रोगियों को चंगा कर सकता है, पापियों को माफी दिलवा सकता है। हेलो, पापियों को माफी, रोगों को चंग, रोगियों को चंगा, कैसे? जब तुम्हारा के द्वारा संदेह को दूर हटाता है, वो दूसरे लोगों को कामदायक बनता है। उतना ही नहीं, उसके बाद ऐसा बताया गया कि क्या विश्वासियों का प्रार्थना चंगे, लोगों को चंगा करना, लोगों को पाप से मुक्ति दिलवाना, और अंदर और बाहर वो भी विश्वास से पूर्ण बनने की जैसी क्षमता पाने की अनुभव तेरे अंदर की बाहर निकल सकती है। से चाहते हैं हम उधारी पाए, मैं अकेला स्वर्ग जाने के लिए क्या, हम पवित्र आत्मा पाए, मैं अकेला स्वर्ग जाने के लिए क्या, हमें कलीसिया को जाने के लिए मिली, मैं अकेले जाने के लिए, नो, मेरे साथ सेवकाई की किया हुआ कितने लोग भी जाना है, वही परमेश्वर चाहने की मकसद। हालेलुया। इसलिए यहां बताया गया है लोगों के अंदर, तेरे अंदर जो विश्वास संदेह ही लोगों के अंदर की संदेह को भी तेरे द्वारा, हस्तार्पण के द्वारा, तेल लगाने के द्वारा, पानी देने के, काम करने के द्वारा, पैसा देने के द्वारा, बहुत सारे चीजें जो कुछ कर सकते हैं उसको करके हम क्या कर सकते हैं, आत्मिक तौर पे कितने लोगों को विश्वास में खड़ा करके परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए नियुक्त करके खड़ा रखने का मकसद ही परमेश्वर कम्युनिकेशन में हमको सिखाए। यीशु मसीह क्यों अपने सेवकाई के समय में हर कम्युनिकेटर थे, ताकि उनको मालूम था कि अगर यीशु परमेश्वर के साथ कम्युनिकेटेड हैं, बहुत सारे रोगी चंगे होंगे, बहुत सारे दुष्ट शैतानी से पीड़ित लोग चंगे हो जाएंगे, बहुत सारे मरे हुए लोग जी उठेंगे, बहुत सारे कलंकित लोग उद्धारी पाएंगे, बहुत सारे पाप में के दलदल में फंसे हुए लोग माफी पा पाएंगे। इसीलिए मध्यवर्ती के हिसाब में कौन खड़ा हो गया, मनुष्यों के बीच में, परमेश्वर के बीच में यीशु मसीह मध्यवर्ती बनकर खड़े हुए, आज उद्धारी पाया हुआ, कलीसिया के साथ सौभाग्यता पाया हुआ, हमें भी परमेश्वर बुला, क्या कहां रहे जानते हो ना, लोगों के और परमेश्वर के बीच में खड़े हो कोई है क्या, इस गैप को फिल करने के लिए कोई है क्या, तुम्हारे अंदर की विश्वास, बहुत जो अविश्वास की जो गैप है उसको फिल करने की, आज भी बहुत सारे लोग चंगाई के लिए दौड़ रहे हैं, आज भी बहुत सारे लोग माफी के लिए दौड़ रहे हैं, आज भी बहुत सारे लोग पाप से रिहाई पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। गो एंड टेक द गैप, जाकर उस गैप को फिल करो तेरे विश्वास की कम्युनिकेशन स्किल से। हालेलुया। और उसके 16वें वचन में बताया गया, अगर तुम अपने अपने पापों को बोलना शुरू करोगे, परमेश्वर क्या करेंगे, माफ करेंगे। इसका मतलब क्या है, हमारे बीच में पाप है वो नहीं, अगर हमारे हमारे बीच में कुछ बातचीत के तौर में, नहीं तो चाल चलन में, नहीं तो लेन देन में कुछ ना कुछ पाप की परिणता बदल गई है, तो क्या कर सकती है परमेश्वर, उसको ठीक करने के लिए प्रार्थना। वचन क्या बताएगा, 16, के साथ
हाँ देखा ना, अपने अपने पाप को क्या करने के लिए, ईश्वर के सामने बोलने के लिए हिचकिचाहट नहीं बोलना है, वो परमेश्वर के सामने बोलना है, जो भाइयों के सामने बोलने की जरूरत है। क्यों? प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है, बोलने की जरूरत है ही नहीं। सब कुछ हमारा परमेश्वर के नजरिया के सामने खुल्लम खुल्ला है, तो हम क्यों छुपा के रखे? तो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं रख सकतेगा, वो क्या करेगा, सब कुछ ओपन अप करेगा। शरीर के अंदर एक ट्यूमर है, उस ट्यूमर को छुपा के रखने से क्या होगा? बहुत सारे लोग सोचते हैं, हाँ पेट में कुछ क्या की एक दर्द हो रहा है, चेकिंग के लिए नहीं जाएंगे, कुछ डॉक्टर का सलाह नहीं लेंगे, तो क्या होगा, वो बढ़ना शुरुआत होगा। ऐसा हो जाएगा कि वो बढ़ बढ़ के अपने शरीर को इतना नष्ट रीति से नाश कर सकता है कि और ऑपरेशन भी काम नहीं करेगा। हेलो, तो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं तो परमेश्वर के साथ कम्युनिकेटेड वाला व्यक्ति हरदम क्या करेगा, अपने अंदर की गहराइयों में छुपा हुआ पापों को परमेश्वर के सन्निधि में एक एक करके क्या करेगा, खोल डालेगा। खोलने पर क्या, ये प्रार्थना करने पर उनको क्या कर सकता है, आत्मिक रीति से उनको क्या कर पाएगा, खड़ा करने प्यास बनना जरूरी है। क्या परमेश्वर के सन्निधि में कन्फेशन, कान में जाके कन्फेस करना नहीं, किसी महापुरुष के नहीं, तो किसी को फोन करके कन्फेस करके बोलना नहीं, नहीं तो किसी के निकट जाकर बैठ कर जाकर कन्फेस करना है। कन्फेस इट बिफोर द लॉर्ड, परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना के अनुभव सिंह बोलना शुरू सकते हैं। वो माफी हमें क्या कर सकती है, परमेश्वर के आत्मिक तौर में हमें और भी विजयवंत बनने के लिए, हमारे युद्ध की भूमि में युद्ध जीतने की हासिल दिलवा सकती है। हमारे निवेदनों से बहुत सारे लोगों को भी युद्ध में जीतने की अवसर मिल सकती है। इसीलिए हमें प्रार्थना यीशु मसीह काय के लिए सिखाए, ताकि बहुत सारे लोगों को एक सैनिक के समान हम खड़े कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे खेल को परमेश्वर क्या करते हैं, एक हड्डियों जमीन में लेकर परमेश्वर उसको बोल रहे हैं, ये हड्डी जीवित हो सकती। क्या बोल रहे परमेश्वर, अगर तू चाहता है, अगर तेरी वचन के शक्ति सामर्थ्य है, तो नियुक्त रीति से ये सब क्या हो सकते हैं, जीवित रख सकते हैं। पे पड़ा है, हड्डियों के बीच में जाना है, सूखे हड्डी नहीं तो जो सूखे हड्डी का मतलब क्या है, आत्मिक तौर पर आत्मिक सूख कर पूरी तरीके से शरीर नष्ट हो गए व्यक्तियों के सामने हमारा सेवकाई शुरू होना चाहिए। आजकल सबको पुलपिट चाहिए, सबको माइक चाहिए, मगर कोई भी हड्डियों के बीच में, इसलिए आज सुबह के समय पवित्र आत्मा हमें याद दिला रही है, हड्डियों के बीच में जाने की शुरुआत करो। हड्डियां ऐसी जगह पर, कहां है हड्डियां, कहां मिलेगी हड्डियां, कहां मिलेगी हड्डियां, हमको कहां मिलेगी, जहां दफनाया गया वहां मिलेगी। तो बरियल ग्राउंड में जाओ, बरियल ग्राउंड में जाके पेड़ पौधा लगाने के लिए नहीं, बरेलगांव में जाके क्या करा, सूखे चीजों को जी उठाने की शक्ति सामर्थ वो परमेश्वर चाहते हैं। क्यों? ताकि अगर हम सूखी हड्डियों को उठा सकते हैं, सैन्य बना सकते हैं, तो युद्ध हमारा है। अरे एक झुंड बनकर युद्ध करना कौन सा आसान है, एक झुंड बनकर युद्ध करना। दाऊद अपना युद्ध अकेले से शुरुआत किया, मगर बढ़ते बढ़ते सिंहासन के निकट पहुंचते 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 वो अपना सैन्य को बड़ा बड़ा करते ही गया। एक गोलियत को मारकर चुप बैठा नहीं, को बहुत सारे शैतानिक औजारों को नहीं तो बहुत सारे शैतानिक तंत्रों को नहीं तो बहुत सारे शैतानिक अविश्वास को तोड़ निचोड़ डाला। वो है दाऊद का जीवन का कम्युनिकेशन स्किल परमेश्वर के साथ।
परमेश्वर तुझे प्रार्थना, हम प्रार्थना कर रहे हैं कई के लिए, ताकि हमारा एक सैन्य सैन्य को तैयार कर सके, सैन्य विश्वास में पूर्णता पाया हुआ सैन्य, यीशु मसीह के वचनों में आधारित एक सैन्य। हेलो, आज कल का आत्मिक लोगों का जीवन में ये कम गया है क्या? कम्युनिकेशन कम हो गया, इसीलिए ये पैंडेमिक सीजन में, ये कोविड के टाइम में परमेश्वर हम सबको घर के अंदर क्यों बिठवाए जानते हो ना? ताकि हम प्रार्थना में पुनर्जीवित बने, ताकि हम क्या कर सकते, प्रार्थना में शक्ति युक्त बने, ताकि सूखी हड्डियों के बीच में जाने की अवसर परमेश्वर देने वाले हैं। आज की परिस्थिति अगर देखेंगे तो हर जगह में लोग हड्डी बन रहे हैं, हड्डियों के बीच में प्रार्थना की शक्ति की सामर्थ्य के द्वारा, वचनों के अभिषेक प्राप्त, आत्मा की पूर्णता अभिषेक की वरदान पाए हुए लोग क्या करना चाहिए? इसकेल के समान सूखी हड्डियों के बीच में उतर जाना है, बात बोलकर, प्रचार करके, प्रार्थना करके स्वर्ग तैयार करो, ताकि क्या कर सके, युद्ध जीतना है नहीं लेना चाहिए, जीतने की नाम लेनी चाहिए, वो नाम यीशु के नाम में है। इसीलिए लूका लिखित सुसमाचार उसकी 18 वचन से 5वां वचन तक, एक विधवा जो थी वो अपने जीवन में न्याय नहीं मिल रही थी, वो बहुत न्याय के लिए कोशिश कर रही थी, कोई भी उसको न्याय नहीं दे रहा था, उसने परमेश्वर के निकट नहीं गया, कहां गया? 18 अध्याय का 2वां वचन, हाँ, जो परमेश्वर से डरता और ना किसी मनुष्य की परवाह करता। उसके बाद 3वां वचन, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे बुजुर्ग से बचा। देखो ना, यहाँ पे यीशु मसीह एक उदाहरण दे रहे हैं। देखो, एक औरत कौन है, वो विधवा थी, उसने क्या किया, न्याय के लिए परमेश्वर के निकट नहीं गया, किसके निकट गया? एक अधिकारी के निकट, जो ना परमेश्वर को मानता था ना लोगों की बात मानता था, ऐसे व्यक्ति के निकट कौन गया? एक स्त्री जाकर, मुझे न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, दोहरा के रट लगा के घूमना शुरू की। हेलो, नहीं किया, स्ट्राइक नहीं किया, पत्थर नहीं मारा, गुंजाइश की, रिक्वेस्ट की, मुझे न्याय दो। सुबह जाती थी, न्याय दो, शाम को जाती थी, जाती थी, न्याय दो, वे रस्ते पे दिखते वक्त, मुझे न्याय दो, मुझे न्याय देने वाला कोई नहीं है। तब उसी उस अधिकारी के मन के अंदर एक औरत, कैसी औरत है रे भाई, मैं तो किसी का मानता नहीं हूं, मैं तो परमेश्वर का सुनता नहीं हूं, मनुष्य का सुनता, ये औरत मेरा क्या बिगाड़ने की कोशिश कर रही। उसके मन के अंदर क्या किया, संदेह को दूर हटाया। हेलो, किस चीज की संदेह? वो किसी की नहीं सुनता, किसकी नहीं सुनता, परमेश्वर की भी नहीं सुनता, मनुष्य की भी नहीं सुनता। एक व्यक्ति को, एक विधवा की जरूरत पड़ी सबकी बात सुनने के लिए। हेलो, परमेश्वर सिखाते हैं तो कैसे सिखाते हैं सोचो, जो ना परमेश्वर की सुनता, जो ना मनुष्य की सुनता, वैसा एक व्यक्ति को किसने सुनवाने की, ना वो अकेली है, वैसी एक स्त्री इसके अंदर क्या किया, विश्वास के उत्पन्न करवा दिया। उसके द्वारा उसने क्या किया जानते हो ना, अरे मैं ऐसे इस औरत को नहीं छोड़ सकता, मैं इसके लिए क्या करूंगा, न्याय करूंगा। हेलो, युद्ध में करने के लिए हमारा प्रार्थना भी ये औरत की समान होनी चाहिए। मुझे आश्चर्य लगा, ये अधिकारी इसकी बात ना मानने पर भी ये जाना बंद ही नहीं की, जाके बोलना बंद नहीं की क्या? अरे, इस व्यक्ति के पास ना जाके परमेश्वर के निकट जाती तो कितना अच्छा होता, मगर वो परमेश्वर के निकट नहीं गई। इसकी मकसद क्या है, न्याय इसको मिलना है, और अधिकारी परमेश्वर को लोगों को क्या करना चाहिए, न्याय देना शुरू करना चाहिए।
टारगेट देखो, वो है अचीवमेंट। ये विधवा है, विधवा का दर्शन देखो, ये किसी की नहीं मानता ना, इसको मैं मनवा के ही रहूंगा, ऐसा एक स्वभाव हमारे अंदर रहना है। ये परमेश्वर की बात नहीं सुनता, सुनवाऊंगा मैं, अभिषेक मैंने पाया है, मेरे अंदर जो वचन की गहराइयों में उतरा है, नहीं तो मेरे अंदर की जो प्रार्थना की श्रेणी स्किल परमेश्वर के साथ है, मेरे अंदर जो अधिकार के तोप है वो सब लेकर मैं क्या करूंगा, जो परमेश्वर की सुनता नहीं, जो परमेश्वर की मानता नहीं, जो परमेश्वर को खातिर नहीं करता, जो मनुष्य की खातिर नहीं कहता, मैं अपने मन मर्जी से घूमने वालों को क्या करूंगा, उनके जीवन को बदलाव में ला सकूंगा, वो है मेरा मकसद। हालेलुया। अब देख सकते हैं लुका लिखित सुसमाचार उसकी 11वां अध्याय 5वां वचन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उधर लिखा गया क्या है, देखो 11वां अध्याय उसका 5वां वचन। नेक्स्ट 6वां वचन, हेलो, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन होने से बहुत सारे अविश्वासियों को क्या कर सकते हैं, परमेश्वर को करने भयभीत करके जीवन यापन करने वाले अनुभव में ला सकते हैं, उतना ही काफी नहीं है। बहुत सारे लोगों को हमें क्या करना चाहिए, फ्रेंड बनना चाहिए, मेक एवरीवन एज योर फ्रेंड। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा अपने शत्रुओं को अपना फ्रेंड बनाओ। इसलिए यहां पे बताया कि अनुभव में यीशु मसीह एक कहानी बोल रहे हैं, एक आधी रात को एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर में जाकर बुला रहा है, अरे दोस्त मेरे को थोड़ा रोटी दे, मेरे क्या है कि मेरे और कितने दूर के रिश्तेदार लोग आए हैं, दूर से कितने लोग आए हैं, मेरे घर में खाने के लिए कुछ है ही नहीं। उनको घर पे बिठा कर ये दोस्त दूसरे दोस्त के घर पे आकर बुला रहा है, दरवाजा खटखटाया, खटखटाते वक्त घर के अंदर के जो दोस्त हैं वो अपने बच्चों के साथ सोया हुआ था, उसने बोला अंदर से, अरे भाई अभी मत आने रे, अभी नहीं बाद में दूंगा, मेरे बच्चे मेरे साथ सोए हैं, मेरा दरवाजा बंद पड़ा है, इसीलिए बाद में यहां बोलकर छोड़ दिया। तो भी ये दोस्त ने क्या नहीं किया, बंद किया नहीं, दरवाजा खटखटाना शुरू किया, क्यों, ऐसी एक दोस्ती। हेलो, अगर परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन अच्छा है, अगर हम दूसरों को दूर हटा सकते हैं, विश्वास को बढ़ोतरी दे सकते हैं, कितनों को हम न्यायपीठ के अधिकार दे सकते हैं, कितनों को न्याय करने के अनुभव में हैं, कितनों को हम दोस्त भी बना सकते हैं, ऐसी आत्मिक रीति में हमें भी ऐसी दोस्तों चाहिए आत्मिक, क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में कमियां खटखटाते वक्त बंद ना करके निसंदेह के साथ हमारे लिए खुलने वाले कितने दरवाजे हमें क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। लोग हत्या क्यों कर रहे हैं, लोग प्राण त्याग क्यों कर रहे हैं, फ्रेंड नहीं, नो फ्रेंड्स, विश्वास नहीं कर सकते। मगर ये दोस्त किया, दरवाजा खटखटाना ही शुरू किया। उन जमानों में जो घर थी एक रूम या दो रूम की है, उन जमानों के घर तो जो कुछ भी सामान है मेरे ही, ये दुकानदार होगा, ये दोस्त कौन होगा, दुकानदार ही होगा। बोला क्या किया, मेरे बच्चे सो रहे हैं, दरवाजा बंद है, तो ये दुकान ही होगा मेरे हिसाब से। अगर ये दुकान क्या करते हैं, रात जब हो जाती है सब कुछ सेटल आउट करके ऑर्डर ऑर्डर करके रख देते हैं, तो ये पड़ेगा, इन चीजों को एक 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 करके निकालना पड़ेगा, अगर ये निकालने के लिए जाएगा बच्चे उठ जाएंगे, इसलिए पहले बोला मेरे बच्चे सोए हैं, बाद में आप बोले, तो भी ये सुना नहीं, बाद में वो क्या बोला, दरवाजा बंद है। को मालूम चले ये बाहरी वाला दोस्त,
नहीं, माने में जब तक रोटी नहीं मिलेगा ये दरवाजा खटखटाएगा। बाहर का दोस्त क्या जानता है, जानता नहीं, ये मुझे रोटी देगा ही, ये बोला नहीं है रोटी नहीं है, बोला ही नहीं, रोटी है देगा, मगर थोड़ा लेट होने से भी देगा। वो होना चाहिए हमारा कम्युनिकेशन परमेश्वर के साथ। प्रार्थना करते हैं, जवाब मिला ना मिला वो हमारा लेन देन है। प्रार्थना जरूर मैं करूंगा, जरूर मैं करूंगा, दरवाजा खुलवाने की कोशिश करवाऊंगा, मेरे लिए मकसदों को मैं पूरा कर कोशिश करूंगा, आज नहीं तो कल। परमेश्वर नियुक्त रीति से मेरे लिए काम करेंगे, ये समय नहीं तो आने वाले अगली समय, परमेश्वर नियुक्त रीति से मेरे लिए काम करेंगे। वो है विश्वास। वो दूर हटाना, मुझे आश्चर्य लगा इन दोनों दोनों कौन, वो विधवा स्त्री में भी संदेह नहीं, इस दो वाओ क्या जीवन है। अगर इन दोनों के अंदर अगर संदेह होता तो क्या होता, एक बार सोच कर देखो, में अगर संदेह होता तो क्या करती, एक बार ये दोस्त में अगर संदेह होता तो क्या करता। हाँ, एक बार दरवाजा खटाया, उसने अंदर से बोला अरे दरवाजा बंद है, मेरे बच्चे सोए हैं, अभी नहीं बाद में आप बोल देते, वो निकल चला जाता, मगर ये गया नहीं। वो है संदेह को दूर हटाना। अरे हम अगर हमारे अंदर संदेह को दूर की संदेह को भी हम दूर हटा सकते हैं। इसलिए दोनों कहानियों में क्या हुआ जानते हो ना, दोनों विश्वास के द्वारा संदेह हासिल कर सके। ऐसा है तो हम आत्मिक लोग हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, अभिषेक पाए हुए व्यक्ति हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य में जीने लोग हैं, हम इससे कितना अधिक नहीं कर सकते। स्टार्ट सीकिंग, स्टार्ट आस्किंग द लॉर्ड, स्टार्ट नॉकिंग द डोर, पूछना शुरुआत करो, परमेश्वर के लिए दरवाजा खटखटाना शुरू करो, परमेश्वर के लिए ढूंढना शुरू करो। जब तक मुझे परमेश्वर मेरे लिए नहीं करते हैं, तब तक मैं ये चीज को क्या नहीं करूंगा। हालेलुया। इसलिए ये दूसरी वाली कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये ऐसी दोस्तों को हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी उपयुक्त करके रखना। रात की समय कैसी समय है, कष्टनाक, दुखदायक, वेदनाजनक, भूखा लानी अनुभव है, ऐसे अनुभवों में भी ऐसे अच्छे दोस्त हैं जो कि दूसरों की भूखा भूखापन को, दूसरों की हृदय की दर्द को जानकर उठकर, दोस्त ऐसे दोस्त हमारे कलीसिया में चाहिए। आजकल के सब ऐसे, मेरे को एक 5,000 बोलने से कलीसिया के लोग, हाँ हालेलुया प्रभु, मेरे प्रिय भाई को 5,000 रुपया चाहिए, स्वर्ग की दरवाजा खोलकर कौवा को भेज कर उसके सर के ऊपर डाल दे प्रभु। अरे ये परमेश्वर तेरे को क्यों रखे है, जब 5,000 है, ठीक है 5,000 नहीं दे पा रहे, 200 तो दे देना, 50 आदमी है, 50 आदमी मिलके 200 200 लाके दे दिए, हो गया ना उसका जो कमी कट्टी दूर। प्रेज द लॉर्ड। दोस्ती, दोस्ती आत्मिक रीति का दोस्ती, ऐसी दोस्तों की जरूरत है कलीसियों में। प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने दे, ऐसे दोस्तों को अभिषेक कीजिए, ऐसे दोस्तों को निकालिए बाहर। केरल में हुआ एक घटना, केरल नहीं अमेरिका में हुआ एक घटना, एक अच्छे श्रेष्ठ एक डॉक्टर थे, वो डॉक्टर अपने जीवन में मेडल पाने के लिए नहीं तो प्राइज, उसकी उसके कामकाज की उन्नति में उनको क्या मिला गया, एक श्रेष्ठ पदवी मिलने वाली थी, एक स्टेट को जाने की जरूरत थी, तो सब कुछ बुकिंग कर दिया। क्या हुआ जानता है, उस दिन बारिश ज्यादा होने के कारण फ्लाइट सब डिले हो गया, तो उसने सोचा, नेक्स्ट आइडिया सोचा, क्या करूं मैं, कैसे जाऊं, तो इसने क्या किया, एक गाड़ी उसने क्या किया, हायर किया, नहीं तो रेंट में लिया, रेंट में लेके उसको बोला देखो मेरे को अगले स्टेट में जाना है, तो ये आदमी बोला सर अभी तो बारिश का सीजन है, डबल रेट होगा, ये बोला डबल क्या, ट्रिपल रेट भी देने के लिए मैं तैयार हूं, मुझे कल तक मुझे वहां पहुंचना है, क्या कर सकते हो, ले जाओगे ना, ठीक है बोला ये आदमी ने, लेना शुरू किया। आधे रास्ते पहुंचते ही इसने क्या किया, जाना शुरू किया। तब क्या हुआ जानते ना, उधर एक विश्वासी औरत थी जो अपने बेटे पढ़कर पड़े हुए पड़ा हुआ परिस्थिति में डॉक्टर लोगों को दिखवाया,
डॉक्टर लोग ने एक ही रिकमेंडेशन दिया, एक डॉक्टर है जो ये रोग का श्रेष्ठ है, उनके पास ले जाओगे ना तो वो तुम्हें क्या कर सकते हैं, जो दवाई देंगे, नहीं तो वो जो तुमको प्रेस्क्रिप्शन देंगे वो प्रेस्क्रिप्शन तुम्हारा बच्चा को जीवित करवा सकता है। इसलिए तुम उस ये माँ ने क्या किया जानते हैं ना, विश्वास और भरोसे के साथ बट्टे बच्चे को घर में ले आकर खाना वाना दिलवा कर अपने रूम के अंदर के ही घुटनों पर बैठी और प्रार्थना करना शुरू। प्रभु मुझे तो एक ही डॉक्टर मालूम है, तू ही है एकमात्र मेरा डॉक्टर, मैं जानता हूँ तू मेरे लिए उस डॉक्टर को मेरे घर तक ले आ सकता है, इसीलिए परिस्थितियों को कैसा करेगा मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरा बच्चा जीना है, मेरा परमेश्वर जीवित है, उपयुक्त रीति से बता करना उस डॉक्टर को मेरे पास ले आओ, उस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मेरे साथ करो, बोलकर वो प्रार्थना शुरुआत की। ये गाड़ी इतना तूफान और बारिश गिरने के कारण वो ड्राइवर ने बोला साहब और ज्यादा दूर हम नहीं जा सकते हैं, इसीलिए हम यहीं पे हॉल्ट ले लेते हैं, एक दो घंटे की बात है, बस ब्रेक लेके निकल जाते हैं थोड़ी देर के बाद। मैं उस घर वालों को, ये ड्राइवर ने क्या उन घर इस औरत की घर थी उधर जाके दरवाजा खटखट, हमें 1 घंटा के लिए इस घर में थोड़ा जगह दे सकते हो क्या? उसने क्या किया, हाँ ठीक है आइए मेरे घर में आइए, स्थान दे रहा हूं। आके ये बैठी, बैठे डॉक्टर को चाय पानी दिलवाया सब कुछ, ये औरत को मालूम नहीं ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर को मालूम नहीं है इनको ये बच्चे की जरूरत है। ये औरत ने क्या की जानता ना, कमरे के अंदर गई और डॉक्टर से बोल के गया मैं थोड़ी देर प्रार्थना करने के लिए, मैं अपना प्रार्थना के बीच में ही उठकर आकर दरवाजा खोला है, आप यहाँ बैठिए, चाय पानी नाश्ता सब कुछ यहाँ पे है, खाना वाना सब कुछ है, प्रार्थना करने के बाद वापस आता हूँ आती हूँ बोलकर ये अंदर गई, प्रार्थना करना शुरू, घुटनों में बैठकर प्रार्थना करना शुरू की, इस डॉक्टर का नाम लेके उस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट के लिए वो उस कमरे में बैठकर रोना शुरू की, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे उस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थोड़ा मिलवा के, अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, कोई मेरे लिए है ही नहीं, मगर मैं जानता हूं स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। ये बात इस डॉक्टर के कान में सुनाई दिया, अरे ये औरत जिस डॉक्टर के नाम पुकार वो तो मैं ही हूं, करते खत्म होते तक ये वेट नहीं कर सके, ये उधर उधर चलना शुरू किए डॉक्टर, वो औरत प्रार्थना खत्म होने के बाद बुला के वापस आई, और कुछ चाहिए क्या साहब जी, बोले तो ये बोला तुम जिस डॉक्टर के बारे में पूछ रहे हो कौन है तुम्हें मालूम है क्या, तुम काय के लिए उस डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में पूछ रहे हो? तब वो औरत ने बोला देखो पास्टर जी मेरे बेटे को देखो ये मेरा बेटा है, उस बेटा अगर चंगा पाना है उस डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन जरूरी है, उस डॉक्टर की दवाई जरूरी है, इसलिए मैं उस डॉक्टर को बुला रही हूं। तो इसने पूछा मैं ही वो डॉक्टर हूं और मुझे परमेश्वर ने ही यहां पे लेके आया, मैं यहां से दूसरी फ्लाइट में जाने वाला था मगर फ्लाइट को परमेश्वर ने क्या कर दिया, बंद कर दिया, बारिश और घिनौनी रीति से थंडरिंग होने के कारण मेरा रूट तो कैसा, इसे ड्राइवर ड्राइवर को मुझे मिला, ये ड्राइवर मुझे यहां तक लेके आया, यहां आने के बाद वो और एक कदम भी आगे नहीं गया, नियुक्त रीति से परमेश्वर श्रेष्ठ परमेश्वर वाले परमेश्वर, अगर उस और तो वैसा कर सकते हैं, हमारा भी कम्युनिकेशन परमेश्वर के साथ प्रार्थना के साथ अगर है, ऐसे ही बहुत सारे चमत्कारी अनुभव दोस्तों के समान बहुत लोगों के दरवाजे तक ले जा सकने वाली, नहीं तो रात के समय दरवाजे खुलवा कर आहार देकर लोगों को तृप्त करने वाले दोस्तों को पैदा कर सकते हैं। वो यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं, इसलिए जीवन में क्या करना चाहिए प्रस्तुत कर रहा। अभी मातिली के सुसमाचार 7वां अध्याय 7वां वचन, हालेलुया, मांगो मिलेगा, दरवाजा खोला जाएगा। उसके बाद यीशु मसीह क्या कहते हैं, अगर तुम में से कोई अपने बच्चा रोटी मांगता है तो कोई उसको पत्थर देता है क्या? हाँ आजकल के जमाने के लोग पत्थर देंगे, कौन सा फ्लिपकार्ट की कौन सा की एक कंपनी, उसने क्या किया कुछ चीजों का ऑर्डर किया, उसने क्या किया गाय का शिट दे दिया, गोबर गोबर पैक करके दे दिया, देंगे आज के जमाने के दोस्त लोग ऐसे ही है, अरे रोटी कोई मांगता है तो रोटी के बदले पत्थर देने वाले,
दूसरे वाले अनुभव में क्या मछली मांगे तो मछली के बदले क्या देंगे? सांप। हेलो, ऐसे लोग पे तैयार है, ऐसे लोगों को बदलवाना है। जो जो रोटी मांगता है उसको रोटी ही मिलना चाहिए। पत्थर देने वाले लोगों को पत्थर दे, पत्थर मार के तो मत्था पत्थर मार के उसको नष्ट नहीं करना है। उनके लिए निवेदन करो, प्रार्थना करो, गुंजाइश करो, बोलो परमेश्वर ये रोटी मांगते हैं तो पत्थर देने वाले ऐसे दोस्त लोग हैं, इनको परमेश्वर परिवर्तन कीजिए ताकि कल ये रोटी मांगे तो रोटी ही दे, मछली मांगे तो मछली ही दे। आजकल के विश्वासी लोग हो यीशु मसीह रोटी और मछली दिए, आजकल के विश्वासी लोग हैं तो पत्थर देंगे खाने के लिए। हालेलुया। और प्रार्थना भी करेंगे, परमेश्वर इस पत्थर को और इस सांप को आशीष कीजिए, 5,000 लोग हैं उनको कीजिए, उनका पेट तृप्त कीजिए बोलकर बोलेंगे। मगर यीशु मसीह ऐसा नहीं किया, रोटी और मछली को क्या किया? प्रार्थना नहीं, वृद्धि करके लोगों का आज के लोगों को सांप पेट नहीं पुरवाता, पत्थर पेट नहीं पुरवाता, वह फुलफिल नहीं करवाता। उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? निवेदन से प्रार्थना की गुंजाइश, हमारा कम्युनिकेशन परमेश्वर के साथ रहना चाहिए ताकि ऐसे तंत्रों के साथ दबे फंसे हुए लोग, अरे शैतानी ना ऐसा चिंता करता है, कोई रोटी मांगता है तो पत्थर देगा क्या? कोई मछली मांगता है तो कोई, अगर हम अपने बच्चों को अच्छे 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 श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीजों भी उपयुक्त समय में अच्छे अच्छे और श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीजों से परमेश्वर हमें क्या कराएंगे? भर्ती करवाएंगे। इसलिए हमारा मकसद क्या बनता है जानते हो ना? हम एक सैन्य को तैयार करना चाहिए जो पत्थर के, जो रोटी के बदले पत्थर देते हैं उनको बदला कर अच्छे मनुष्य बनकर अभिषेक से पूर्ण व्यक्ति बनाकर हमको क्या करना चाहिए? तैयारित करना चाहिए, ऐसे दोस्तों को हासिल करना चाहिए, ऐसे न्याय अधिकारियों को हासिल करना चाहिए, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों को परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए? खड़ा करना चाहिए। इसलिए हमारा मकसद पूछना शुरू करो, दरवाजा खटखटाना शुरू करो, ढूंढना मिलेगा मिलेगा। ऐसे बहुत सारे मछलियां इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसे बहुत सारे दोस्तों इधर उधर, सारे न्याय लोग खड़े हैं, उनको ढूंढने की समय आ गई है। हालेलुया, प्रेज़ यू जीसस। इसलिए मैं अपने इन वचनों को मैं बंद करने से पहले एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ, पहली यूहन्ना तीसरा अध्याय उसका 22वां वचन। पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय उसका 22वां वचन, माफ करना 3:22, 3:22 माफ करना, पहली यूहन्ना 3:22 आगे यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, हाँ, जैसा उसने हमें आगे के अनुसार प्रेम रखे। हेलो, क्या बताया गया है? जो कुछ भी हम परमेश्वर के सन्निधि में मांगेंगे, अगर हम व्यवस्था के हिसाब से मांग रहे हैं तो नियुक्त रीति से परमेश्वर हमें क्या कराएंगे? दिलवाने वाले परमेश्वर। हेलो, हमें परमेश्वर क्यों कम्युनिकेट करवा रहे हैं? क्यों हमें परमेश्वर के साथ कम्युनिकेटेड रहना है? प्रार्थना के द्वारा, ताकि परिस्थितियों को संदेह को दूर हटाकर विश्वास के साथ बढ़ोतरी पाने के लिए, और ये सब कुछ होने के बाद आखिरी में परमेश्वर की व्यवस्था को पूर्णता में लाने वाली एक युद्ध, फुलफिलिंग द वॉर एंड विनिंग द बैटल। युद्ध कैसे जीत सकते हैं? परमेश्वर के वचन के। इसलिए अगर परमेश्वर हमारे साथ हैं, हम अगर परमेश्वर के वचन के साथ चलते हैं तो ये युद्ध हमारा है। वो कल हमारे क्या बनेंगे? हमारे हाथ से हमारे बनेंगे, उस तरीके से बदलाव ला सके। यशुआ की विश्वास थोड़ा देखो, यशुआ की भरोसा थोड़ा देखो। इसलिए यशुआ के निकट क्या हुआ? परमेश्वर के दूता उतर आए, उतर आने पर ये दूत
आप किसके पक्ष हो, हमारे पक्ष हो या उनके पक्ष हो? तुरंत सूत ने बोला, हम तुम्हारे ही पक्ष में आए हैं, तुम्हें विजयवंत करने के लिए हम आए हैं। इसीलिए मेरे बोलने का मतलब, युद्ध जीतना है तो कितनों को तो तैयार करके रखो, ताकि वो क्या कर सकते हैं, आत्मिक बन सकते हैं। वचन के हिसाब से मांगने वाली एक झुंड को तैयार करो। इसलिए आज सुबह के सामने समय परमेश्वर के सन्निधि में एक मिनट समर्पण करते हैं। बोलते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर मैं भी युद्ध को जीतना चाहता हूं, वचनों के हिसाब से युद्ध को जीतना चाहता हूं, प्रार्थना के द्वारा मैं युद्ध को जीतना चाहता हूं, बहुत सारे दोस्तों को, सारे न्याय अधिकारियों को जीतना चाहता हूं। परमेश्वर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पत्थर, जो रोटी के बदले पत्थर देने वाले हैं, मछली के बदले वो लोग वाले हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर परिवर्तन में लाने की एक सामर्थ्य दीजिए। परमेश्वर के वचन की पूर्णता से परमेश्वर की युद्ध में जीत हासिल करने मैच्योरिटी सहायता दीजिए। समर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय आपके सन्निधि में हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आज जो वचनों से हमने ध्यान किया, अध्याय उस कम्युनिकेशन परमेश्वर के साथ हरदम कायम रखने के लिए, हमारे युद्ध के क्षेत्र में परमेश्वर के साथ हमारे कमांडर इन चीफ, हमारे अधिकारी परमेश्वर के साथ कम्युनिकेटेड रहे, वो रहकर परमेश्वर युद्ध को जीतने के लिए सहायता दीजिए। धरती में जीवन यापन करने वाले लोग परमेश्वर के विरुद्ध बनकर परमेश्वर के वचनों को ना मानकर जीवन यापन कर रहे हैं, परमेश्वर उन जैसे लोगों को युद्ध में तैयार करने के लिए, एक सैन्य के समान खड़ा करने परमेश्वर हमें बल शक्ति सामर्थ्य दीजिए। गहराइयों में उतरने की बलपूर्णता हमें दीजिए, अभिषेक से परिपूर्ण कीजिए, प्रार्थना में बलपूर्ण के साथ दीजिए। बोल के प्रार्थना करता हूं। सब कुछ हम आपके हाथ में हम सोचते हैं, आदर और महिमा सब कुछ आपके हाथ में हम पेश करते हैं परमेश्वर। आमेन, हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया।